क्लासिक 350 का ये स्टेल्थ ब्लैक एडिशन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और 2023 में अब ये बाइक E20 पेट्रोल से चलेगी। आप देखेंगे कि इसके पेट्रोल टैंक पर भाई E20 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ये है E20 का स्टिकर, मतलब कि जिस पेट्रोल में 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल रहेगा उससे ये बाइक चल सकती है। तो 2023 में इस बाइक में कितने बदलाव हुए हैं, इसकी प्राइस क्या है, ऑन रोड और माइलेज क्या है, इस वीडियो में मैं आपको कम भाई मॉडल और डिज़ाइन की, क्योंकि आप लोग इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें आपको फुली ब्लैक कलर मिलता है, आपको जैसे ये नट बोल्ट या कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी फुली ये ब्लैक है और उसमें भी ये मैट ब्लैक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे भाई तो ये जैसे इसका जो साइड पैनल है ये मैट ब्लैक कलर में है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेड कलर का स्टिकर है, यहाँ पर क्लासिक 350 लिखा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप पेट्रोल टैंक पर देखेंगे तो ये मैट ब्लैक पर, यहाँ पर रॉयल इनफील्ड को अगर आप देखेंगे 3D में लिखा हुआ है, वो भी सिल्वर से क्रोम से है, और क्रोम कलर का इसमें आपको पेट्रोल टैंक कैप मिलता है, और ये मैट ब्लैक पर आपको रेड जो कि डार्क रेड है बहुत ही गहरा कलर है जिससे ये देखने में बहुत ज़बरदस्त लगता है। टैंक पैड भी इसमें मैट ब्लैक में मिलते हैं। तो अगर ओवरऑल दूर से दिखाओ भाई, अगर इसमें ओवरऑल देखा जाए तो जैसे ये लॉक हुआ या फिर इंजन के कुछ बोल्ट हुए, इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो पूरी ये बाइक ब्लैक है, इसलिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। फ्रंट से दिखाना चाहूँगा मैं आपको, आप जानते हैं कि भाई मेटल का सब कुछ इसमें आता है, और यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलती है, आर की ब्रांडिंग है, रेंडर कंपनी की इसमें आपको हेडलाइट मिल जाती है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे भाई ये मैट ब्लैक आपको इंडिकेटर भी मिल रहे हैं, छोटे वाले इंडिकेटर इसमें छोटे से इंडिकेटर दिए गए हैं, क्योंकि ये इनका प्रीमियम सेगमेंट है, क्लासिक 350 का ये प्रीमियम मॉडल है। और अगर आप राइट साइड से देखेंगे भाई तो यहाँ पर सबसे पहले देख लें मैट ब्लैक साइलेंसर भी मिल रहा है, और ये कंपनी फिटेड है, आफ्टर मार्केट नहीं है, और वही इंजन भी आप देख लें कि पूरा इसमें यही सिर्फ आपको सिल्वर दिख रहा है, ये सिल्वर दिख रहा है, बाकी सारी चीज़ें फिक्स हैं। यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग है, यहाँ पर ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये सुना दूँ इसका साउंड, क्योंकि भाई इसमें जो आप बिना आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगाए इसमें कितना साउंड मिलता है ये आप सबसे पहले देख लें। तो ये बिना आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगवाए इसका साउंड है। और फ्रंट से दिखा दो हेडलाइट वेडलाइट, ये है फ्रंट लुक जिसमें आप देखेंगे दो पायलट हेडलैम्प यहाँ पर जल रहे हैं, जब रात में चलेंगे बुल्फ आई की तरह लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पीछे से दिखा दो भाई, ये है बैकलाइट, बैकलाइट का डिज़ाइन और इंडिकेटर का डिज़ाइन। बस अब इसके मीटर में देखते हैं दोस्तों कि आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे इसमें जो स्विच आपको मिल रही है ये मीटियोर वाली ही है जो मीटियोर में मिलती है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंजन किल की स्विच है और यहीं से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हजार्ड लाइट की स्विच है, इससे आप चारों इंडिकेटर एक साथ जला सकते हैं। यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम पास की और इंडिकेटर की हॉर्न की, और यहाँ पर आई बटन दी गई है जिससे आप इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है। मैं इसको ऑन करना चाहूँगा, आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ये ट्रिप मीटर है, यहाँ पर आप देखेंगे ये ट्रिप एफ है, और जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये देखिए ये AM और मतलब घड़ी भी आपको बताएगी। ओडोमीटर में 4.3 किलोमीटर चली है और इको मोड है ये, और ट्रिप वन ट्रिप टू ट्रिप एफ, और इसके अलावा ये घड़ी मतलब क्लॉक भी आपको बताएगी। तो इसमें डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एनालॉग मीटर में आपको स्पीड बताएगी ये बाइक, न्यूट्रल की लाइट, यहाँ पर आपको ये लो बैटरी ABS चेक इंजन लाइट और लो फ्यूल वार्निंग की इसमें आपको मिल जाती है। और ये रही आपकी चाभी क्लासिक 350 की, ये है भाई 2023 मॉडल की चाभी। तो ये तो था भाई इसके मीटर का फीचर। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे इधर से दिखाओ, इधर ये रहा इसका भाई मोबाइल चार्जिंग का सुविधा, यहाँ पर आप इसमें USB चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है जिससे आप इसमें मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। तो कुल मिला के मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जब से इसमें मीटियोर का इंजन आया है भाई, तब से इसकी जो स्मूथनेस है, जैसे ही आप इस बाइक को स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको फील होगा कि हाँ भाई इसमें कुछ बदल चुका है। वाइब्रेशन बिल्कुल तो नहीं ख़त्म हुई है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा राहत है। एक बार फिर से स्टार्ट करूँ, एक बार ये है, तो जैसे पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसके इंजन में की गई है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले भाई दिखाओ भाई ज़रा इसमें, ये देख लें आप 100
9019 का टायर मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर इसमें मिल जाता है। और अगर इधर देखेंगे तो 300 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है ड्यूल चैनल ABS के साथ। और पीछे दिखाओ, पीछे आपको 240 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर टायर अगर आप देखेंगे तो 120/80/18 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सस्पेंशन आपको स्विंग आर्म सस्पेंशन मिलता है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आगे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, यहाँ पर देख लें, ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, पूरा ये कवर्ड रहता है। इंजन की बात करें भाई तो किक हटा दी गई है, जो कि पहले अगर आप बुलेट लेंगे तो उसमें आपको किक मिलेगी, इसमें किक नहीं मिलेगी। और ये सिंगल प्लक है। और अगर हम इसके इंजन की बात करें तो 349 cc का एयर कूल्ड इंजन इसमें आपको मिलता है, जिसमें आपको 20.2 HP की पावर मिलती है 6100 RPM पर, 27 Nm की टॉर्क मिलती है 4000 RPM पर। और अब उधर से चलो दिखाओ भाई, और 41 mm के आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, जिससे आपको गड्ढों में कोई परेशानी ना हो। और अगर इसके सीट हाइट की बात करें तो 805 mm है इसकी सीट हाइट, और 195 kg इसका वजन है। ये देखिए, अब यहाँ पर मेरे दोनों पैर पहुँच तो रहे हैं, एकदम सही से पहुँच रहे हैं, थोड़ा सा एड़ियाँ उठी रहती हैं, थोड़ा सा बस, उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और बैठने के बाद आपके जैसे ये टैंक इसका चौड़ा है, तो ये चीज़ यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से चिपकती नहीं है। ये क्लासिक का मॉडल है, ये पहले से आ रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो फिलहाल इसकी सीट हाइट जैसे 5.8 या 9 है, 7 है, तो भी लगभग लगभग चल जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 195 kg भाई इसका वजन है, तो स्टैंड लगा के देख लेता हूँ। इतना वजन है। और अगर अब हम इसके प्राइस की बात करें तो 2,54,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है चावला राइडर्स पर। ये इलाहाबाद रोड पर अयोध्या उत्तर प्रदेश में शोरूम है। आप यहाँ पर इस बाइक के लिए या फिर रॉयल इनफील्ड की किसी भी बाइक को ख़रीदने के लिए संपर्क कर सकते हैं। और रही बात माइलेज की, तो मेरे हिसाब से लगभग 40 के आसपास इस बाइक की माइलेज मिल जाएगी। और अगर आप इसको फाइनेंस भी हो जाती है ना, हाँ फाइनेंस, लगभग डाउन पेमेंट क्या रहती है, 50 से 80। अगर आप इसको जैसे फाइनेंस करवाना चाहते हैं तो 50,000 से लेकर 80,000 रुपये तक, जैसा आपका क्रेडिट होगा ना, ऐसे तो जैसा आपका क्रेडिट होगा तो वो फाइनेंस हो जाएगी। तो कुल मिला के आप यहाँ पर चावला राइडर्स पर संपर्क कर सकते हैं इस बाइक के लिए। और बाकी जैसे टायर 120 mm के हैं, अब इसमें जैसे जो मॉडिफिकेशन की, और 2,54,000 जो आपने बताया उसमें एसेसरीज नहीं, उसमें एसेसरीज नहीं रहेगी भाई। आपको एसेसरीज जैसे लेग गार्ड, इंजन गार्ड, ये सारी चीज़ें आपको अलग से वो लगवानी पड़ती हैं। ये तो रॉयल इनफील्ड की बाइकों के लिए आप पहले से ही जानते हैं। और सिंगल हॉर्न मिल जाता है भाई इसमें। तो ये थी, अब आप पूछेंगे कि भाई कि इसमें कितने बदलाव हुए। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ स्टिकर लगा है E20 का, मतलब ये E20 पेट्रोल से चलने के लिए बनाई गई है। और उसमें जो इंटरनली चेंज होते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वैसा ही इसमें हुआ है। बाकी कोई एक्सटर्नली चेंज नहीं हुआ है, ऐसा कोई कॉस्मेटिक चेंज भी नहीं हुआ जिसको मैं आपको बता सकूँ या फिर दिखा सकूँ। ये थी 2023 मॉडल, ये है 2023 मॉडल क्लासिक 350। आपको ये बाइक कैसी लगी, आप लोग अपनी राय जरूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।